हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टूडेंट एकेडमी। माय नेम इज प्रवीण कुमार। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मिनरल्स क्या होता है, और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। अब सुनो, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। जो जियोलॉजी वाले स्टूडेंट होंगे, जो ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट होंगे, वो मिनरल्स का क्लासिफिकेशन अपने तरीके से पढ़ते हैं भाई, ठीक है। उनका जो क्लासिफिकेशन है वो अपने सब्जेक्ट के बेसिस पे होता है, बट हम लोग का जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ना है सॉइल साइंस के बेसिस पे, जो कि हमारे एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंस है ना। तो कन्फ्यूज मत करना कि सर आपने इस टॉपिक को पढ़ाया नहीं है, ये तो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स में आता है। बट हम आपको बता रहे हैं, हम लोग को केवल वही क्लासिफिकेशन पढ़ना है जो आपके सॉइल साइंस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आया समझ में? तो चलिए अपने लेक्चर को आज का कंटिन्यू करते हैं। ओके, आप लोग तैयार हो? चलिए, तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हम लोग को पढ़ना है वो ओरिजिन के बेसिस पे पढ़ना है, ठीक है। किसके बेसिस पे भाई? पहला जो क्लासिफिकेशन है वो ओरिजिन के बेसिस पे, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे देखो तो मिनरल्स दो तरीके का होता है। एक होता है प्राइमरी मिनरल्स, ठीक है, प्राइमरी मिनरल्स होता है। दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मिनरल्स, ठीक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन दो तरीके का होता है, प्राइमरी मिनरल्स सेकेंडरी मिनरल्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं बातें इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको इन ड्यूरिंग लेक्चर ही याद हो जाए। ऐसा नहीं कि अभी हम पढ़ा दिए उसको आप लिख रहे हो, लिख के उसको फिर हटेंगे, ऐसा नहीं। ट्राई करो कि लेक्चर के दौरान ही आपको याद हो जाए, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि मिनरल्स का क्लासिफिकेशन भी हम बात करें ओरिजिन के बेसिस पे तो दो तरीके का होता है, प्राइमरी मिनरल्स सेकेंडरी मिनरल्स। अब प्राइमरी मिनरल्स किसको बोलते हैं, देखो आगे देखते हैं हम लोग। प्राइमरी मिनरल्स, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ ना, प्राइमरी मिनरल्स किसको कहेंगे? ऐसे मिनरल्स जिसका साइज 0.002 माइक्रोमीटर से बड़ा हो, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी मिनरल्स। इसके एग्जांपल क्या हो गया, इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, एग्जांपल आप गूगल करोगे तो बहुत सारे मिलेंगे, बट जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो है फेल्डस्पार, क्वार्ज्ड एंड माइका, ये इसके मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हैं। तो मैंने क्या बताया कि प्राइमरी मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसका साइज 0.02 माइक्रोमीटर से बड़ा होता है। इसके जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हैं वो है फेल्डस्पार, क्वार्ज्ड एंड माइका। ओके, नाउ देखते हैं सेकेंडरी मिनरल्स क्या होते हैं भाई। सेकेंडरी मिनरल्स किसको बोलेंगे? ऐसे मिनरल्स जिसका साइज 0.002 माइक्रोमीटर से छोटा हो, कम हो। अगर बड़ा होगा तो प्राइमरी मिनरल्स बोलेंगे, पर छोटा होगा तो सेकेंडरी मिनरल्स बोलेंगे। क्लियर हुआ? इसके जो एग्जांपल है उसको हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। जो सेकेंडरी मिनरल्स का एग्जांपल है ना, उसको हमको काफ़ी डिटेल में जाके पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेकेंडरी मिनरल्स का जो एग्जाम्पल है वो है सिलिकेट, क्ले मिनरल्स, ठीक है। सिलिकेट क्ले मिनरल्स, इसको हमको डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि ये जो मिनरल्स है इस पर क्वेश्चंस बहुत जाके डेप्थ में पूछा गया है, ठीक है। तो सिलिकेट क्ले मिनरल्स को हम लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। देखो यहाँ तक क्लियर हुआ? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, देखो मैं आपको फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। हम लोगों ने बातें कि मिनरल्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन दो तरीके का होता है, प्राइमरी मिनरल्स सेकेंडरी मिनरल्स। प्राइमरी मिनरल्स किसको बोलेंगे? ऐसे मिनरल्स जिसका साइज 0.002 माइक्रोमीटर से बड़ा हो। इसके जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हैं वो है फेल्डस्पार, क्वार्ज्ड एंड माइका। नेक्स्ट आया सेकेंडरी मिनरल्स। सेकेंडरी मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसका साइज 0.002 माइक्रोमीटर से कम हो, छोटा हो, ठीक है।
इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो है सिलिकेट क्ले मिनरल्स। ठीक है, चलिए तो हम लोग सिलिकेट क्ले मिनरल्स को डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सिलिकेट क्ले मिनरल्स। आप फोकस करना क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट फोकस करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो सिलिकेट क्ले मिनरल्स की यदि हम बात करें तो इसका जो क्लासिफिकेशन है या इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सिलिकेट क्ले मिनरल्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेयर। देखो लेयर के बेसिस पे हम लोग सिलिकेट क्ले मिनरल्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी लेयर, ठीक है, प्राइमरी लेयर। दूसरा होता है आपका सेकेंडरी लेयर। ठीक, क्लियर हुआ? सिलिकेट क्ले मिनरल्स जो होता है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेयर। पहला जो होता है प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी, और दूसरा सेकेंडरी लेयर। यहाँ तक क्लियर है? देखो प्राइमरी लेयर किसी भी मिनरल्स में, या हम बात करें सिलिकेट क्ले मिनरल्स में, जो प्राइमरी लेयर होगा, प्राइमरी लेयर का क्या मतलब है, जैसे मान के चलो सिलिकेट क्ले मिनरल्स है तो इसके ऊपर एक लेयर है। देखो ये ऊपर एक लेयर है, ये जो लेयर है वो प्राइमरी लेयर हो जाएगा, और इसके नीचे एक लेयर है, ये वाला लेयर, ये सेकेंडरी लेयर हो गया। ठीक है, तो प्राइमरी लेयर जो होता है वो किसका बना होता है भाई? प्राइमरी लेयर हमेशा देखना सिलिका का बना होता है। प्राइमरी लेयर जो होता है वो सिलिका का बना होता है, जबकि सेकेंडरी लेयर जो होता है वो आपका एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का बना होता है। ये पूछा गया है सिलिकेट क्ले मिनरल्स का प्राइमरी लेयर किसका बना होता है? सिलिका का बना होता है, जबकि सेकेंडरी लेयर एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का बना होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए दूसरी बात जो आपको याद रखना है कि प्राइमरी लेयर जो होता है वो चार ऑक्सीजन से कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। मैंने क्या बोला कि प्राइमरी लेयर जो होता है वो चार ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और एक स्ट्रक्चर को बनाएगा, उसको क्या बोलेंगे मुझे आप बता सकते हो? अरे भाई चार, चार मतलब टेट्रा, और स्ट्रक्चर कैसा बनाएगा? हेड्रल। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। प्राइमरी लेयर चार ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और स्ट्रक्चर बनाएगा टेट्राहेड्रल। केमिस्ट्री पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? चलिए क्या तक क्लियर हुआ? जबकि सेकेंडरी लेयर जो होता है वो छह ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, इसके अलावा कुछ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कंबाइन करके ये ओक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा भाई? ऑक्टाहेड्रल। क्लियर हुआ? मैंने क्या क्या बताया आपको? देखो मैंने बताया कि जो सिलिकेट क्ले मिनरल्स है वो किसका एग्जाम्पल है? सेकेंडरी मिनरल्स का एग्जाम्पल है। सिलिकेट क्ले मिनरल्स को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ लेयर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर। प्राइमरी लेयर जो होता है वो सबसे ऊपरी लेयर होता है जो सिलिका का बना होता है, ठीक, जबकि सेकेंडरी लेयर थोड़ा प्राइमरी लेयर के नीचे होता है, और ये किसका बना होता है? एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का बना होता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि प्राइमरी लेयर जो होता है वो चार ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को बनाता है, जबकि जो सेकेंडरी लेयर होता है वो छह ऑक्सीजन प्लस कुछ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा? ओक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। तो बस एक कंसेप्ट हमेशा रखना कि सबसे ऊपर सिलिका का लेयर होगा, देन एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का लेयर होगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलिए हम लोग अब आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखो नेक्स्ट हम लोग सिलिकेट क्ले मिनरल्स को ऑन द बेसिस ऑफ लेयर, इसको तीन पार्ट में फिर कैटेगराइज करते हैं। अभी हम लोग लेयर की ही बात कर रहे हैं, तो लेयर के बेसिस पे इसको हम लोग वहाँ पे हम लोग डिवाइड किए थे दो पार्ट में, प्राइमरी सेकेंडरी लेयर, बट हम लोग कैटेगरी में
इसको डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लेयर। तो कैटेगरी इसकी तीन कैटेगरी होती है। पहला जो कैटेगरी होता है 1:1 होता है, दूसरा जो होता है 2:1 होता है, और तीसरा जो होता है वो 2:2 या इसको हम लोग 2:1:1 ऐसे होता है। अब आप कंफ्यूज मत करना। देखो भाई मैंने क्या बतलाया आपको, फर्स्ट मैंने बतलाया कि यदि हम सिलिकेट क्ले मिनरल्स को लेयर के बेसिस पे डिवाइड करें तो दो पार्ट्स उसके होते हैं, प्राइमरी लेयर सेकेंडरी लेयर। ठीक, अगर उसी लेयर के बेसिस पे इसको हम कैटेगराइज करें तो तीन पार्ट में इसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, 1:1, 2:1 एंड 2:2, या इसको 2:1:1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये 1:1 का क्या मतलब है। 1:1 का मतलब इसमें 1+1 मान लो और यहाँ पे 2 हो गया, मतलब 1:1 में दो लेयर प्रेजेंट होंगे। ठीक, जस्ट इसी तरीके से नेक्स्ट में देखो 2+1 इसको मान लो, दैट मीन्स इसमें 3 लेयर प्रेजेंट होंगे। इसमें कितने लेयर होंगे भाई, 4 लेयर प्रेजेंट होंगे। 2+2, 2+1+1 4 लेयर प्रेजेंट होंगे। तो 1:1 में दो लेयर प्रेजेंट होते हैं, 2:1 में 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं, 2:2 बाय या फिर इसको हम लोग बोल सकते हो 2:1:1 इसमें 4 लेयर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। अब देखो हम लोग पहले बात करते हैं 1:1 वाले के ऊपर। देखो 1:1 सबसे पहले इसके ऊपर बात किया जाए, मैंने क्या बताया इसमें कितने लेयर होंगे, दो लेयर होंगे। तो सबसे ऊपर का लेयर क्या होगा मुझे बताओ आप, मैंने जस्ट प्रीवियस स्लाइड में बताया आपको कि सबसे ऊपरी लेयर कौन सा होता है, बोलो। बिल्कुल सही, सबसे ऊपरी लेयर होता है सिलिका का। नेक्स्ट सेकेंडरी लेयर किसका होगा, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम का। ठीक, क्लियर हुआ। तो 1:1 में दो लेयर होंगे, प्राइमरी लेयर सेकेंडरी लेयर। तो प्राइमरी लेयर जो होता है वो सिलिका का बना होता है, सेकेंडरी लेयर एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम का बना होता है। ठीक है, अब देखो मान के चलो इसमें ये हमारा मिनरल्स है, ठीक है ये मिनरल्स है, और ये सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाएंगे, है ना, ये हमारा सॉइल वाला पार्ट है। ठीक, अब देखो जो मज़े की बात है वो क्या है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ ये देखो ये कि ये मिनरल्स का लेयर है, कन्फ्यूज मत करना, ये मिनरल्स का लेयर है और ये सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाएंगे भाई, वो कंडीशन शो कर रहा है। तो मिनरल्स का जो लेयर है यहाँ से लेके और इस वाले डिस्टेंस तक, जो सॉइल में मिनरल्स है वहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं बेसल स्पेस। क्या बोलते हैं भाई, बेसल स्पेस। इतना क्लियर हुआ। अब देखो इसको मैं रिमूव कर दूं, बस इतना रखना ये कोई एक स्पेसिफिक मिनरल्स है और ये सॉइल वाला मिनरल्स है जहाँ पे आपको काफ़ी सारा मात्रा में मिनरल्स देखने को मिलेंगे। अरे भाई सॉइल में एक तो मिनरल्स नहीं होगा, बहुत सारे मिनरल्स होगा, ये कंडीशन को शो कर रहा है। और ये कोई एक स्पेसिफिक मिनरल्स है, क्या एक मिनरल्स को हम लोगों ने बाहर निकाल लिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग अब थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। देखो आया समझ में, तो बेसल स्पेस समझ में आया, बेसल स्पेस यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोलते हैं बेसल स्पेस। ठीक, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो नेक्स्ट मज़े की बात, इसको और इसको मिला के, मिनरल्स और सॉइल वाले को मिला के जो बीच में गैप जो डिस्टेंस बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल यूनिट। क्रिस्टल यूनिट किसको बोलेंगे, जो आपका स्पेसिफिक मिनरल्स है और जो मिनरल्स आपके सॉइल में है उसकी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, क्रिस्टल यूनिट बोलेंगे। जबकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक लेयर बोलते हैं। अरे मैंने आपको बताया ना भाई ये सिलिका का लेयर है, ये एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का लेयर है, इसी तरीके से ये आपका सॉइल है। ठीक है, यहाँ भी आपको सिलिका मिलेगा और यहाँ पे एल्यूमिनियम मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। बट मैं आपको एक फंडा बताता हूँ, जो मैग्नीशियम है
मोस्टली वो 2:2 वाले में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये बात बोलना गलत होगा कि यहाँ पे आपको मैग्नीशियम नहीं मिलेंगे। देखिए कन्फ्यूज़ हो गया ना आप, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। देखो पहली बात तो आप क्लियर करो कि जो आपका स्पेसिफिक मिनरल्स है, जो कि ये हो गया और ये आपके सॉइल वाला पार्ट हो गया, सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स है उसको हम शो कर रहे हैं। तो अगर आपका स्पेसिफिक मिनरल्स और अगर सॉइल वाले मिनरल्स की हम डिस्टेंस की बात करें, तो ये जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं क्रिस्टल यूनिट, और ये जो आपका मिनरल्स है उसको बोलते हैं लेयर। अब लेयर में देखो 1:1 मतलब इसको इस तरीके से हम करेंगे सिलिका मैग्नीशियम, सिलिका मैग्नीशियम, ऐसे ये इंटरमीडिएट ऐसे ही चलता रहेगा, ये सिलिका एल्युमिनियम सिलिका एल्युमिनियम, ठीक है ऐसे ही चलता रहता है ये, ठीक है। तो दो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, सिलिका एल्युमिनियम, अरे सिलिका एल्युमिनियम, ठीक है सिलिका एल्युमिनियम, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब दूसरी बात ध्यान सुनना, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है भाई। देखो अब दूसरी बात, जो दो लेयर ये दोनों क्या हैं, लेयर हैं मैंने बताया आपको, और ये क्या है क्रिस्टल यूनिट है, ठीक है। तो ये जो आपका लेयर है, तो 1:1 में जो लेयर होते हैं इसके बीच में प्रजेंट होता है ऑक्सीजन बॉन्ड। यहाँ पे क्या, ये दोनों के बीच में क्या होगा, ऑक्सीजन बॉन्ड प्रजेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन बॉन्ड प्रजेंट होगा, ठीक। बट यदि क्रिस्टल यूनिट की बात करें, 1:1 के क्रिस्टल यूनिट की बात करें, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड प्रजेंट होता है। इस जगह पे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेंगे, दो लेयर के बीच में ऑक्सीजन बॉन्ड और क्रिस्टल यूनिट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मुझे आप बताओ, ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड अस्ट्रोंग होता है, जाहिर सी बात है हाइड्रोजन बॉन्ड अस्ट्रोंग होता है ऑक्सीजन बॉन्ड से। तो अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रोंग होता है ऑक्सीजन बॉन्ड से, तो इसका जो रिजल्ट ये होगा कि इस क्रिस्टल यूनिट के बीच में वाटर इंटर नहीं कर पाएगा, यहाँ पे आपको वाटर इंटर नहीं कर पाएंगे। अब जो मिनरल्स 1:1 में आते हैं उसके बीच में वाटर का मूवमेंट नहीं हो सकता है, ये वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन बॉन्ड से। क्लियर हुआ है ना? तो ये जो लेयर है ये कैसा होगा, स्वेलिंग होगा क्या, इसमें आपको स्वेलिंग की प्रॉपर्टी नहीं देखने को मिलेंगी, श्रिंक यहाँ पे ना तो आपको, क्योंकि सोचो ना कि जब तक वाटर इंटर नहीं कर रहा है तो क्या ये फूलेगा, ये मिनरल्स फूलेगा, नहीं फूलेगा। तो यहाँ पे आपको जो स्वेलिंग की प्रॉपर्टी है वो नहीं देखने को मिलेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, देखो मैंने क्या बताया, 1:1 में टोटल दो लेयर होते हैं, प्राइमरी लेयर सेकेंडरी लेयर, प्राइमरी लेयर में आपको सिलिका देखने को मिलेगा, सेकेंडरी में आपको एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा, ठीक है। मैग्नीशियम मोस्टली 1:1 में नहीं पाया जाता है, मोस्टली ये 2:1:1 में पाया जाता है जिसमें 4 लेयर प्रेजेंट था, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बतलाई कि बेसल स्पेस, जो आपका मिनरल्स हो गया और जो आपके सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स हैं उसके डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, बेसल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। और लेयर किसको बोलते हैं, लेयर एक मिनरल्स में जो लेयर बनते हैं उसको हम लोग लेयर बोलते हैं, और जो आपका मिनरल्स है और जो मिट्टी में आपका मिनरल्स है सॉइल में मिनरल्स है उसको मिला के बोलते हैं क्रिस्टल यूनिट, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया क्रिस्टल यूनिट बताया मैंने आपको। दो लेयर के बीच में हमेशा ऑक्सीजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और जबकि क्रिस्टल यूनिट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन बॉन्ड, इसलिए यहाँ पे वाटर इंटर नहीं कर पाता है। तो अब इसके रिजल्ट क्या होंगे कि यहाँ पे आपको स्वेलिंग की प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया, आगे मूव ऑन करें। चलिए नेक्स्ट जो आपको है वो है 2:1, अब इस पे बात करते हैं हम लोग। 1:1 आपको समझ में आ गया हाँ? तो अब 2:1 के ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखो 2:1 इसमें कितने लेयर होंगे,
थ्री लेयर होंगे। अब ये लेयर अपने आप को अरेंज कैसे करेंगे, देखो तीर यहाँ पे थ्री लेयर हो गया, तो देखो ये थ्री लेयर कैसे अपने आप को अरेंज करेंगे। देखो सबसे ऊपर मुझे बताओ सिलिका, फिर क्या होगा मैग्नीशियम, फिर क्या होगा सिलिका, ऐसे ऐसे ही ये ऐसे ही चलता रहेगा। सिलिका मैग्नीशियम सिलिका मैग्नीशियम सिलिका मैग्नीशियम, सबसे ऊपर सिलिका ही रहेगा क्योंकि ये प्राइमरी लेयर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ ये तीन लेयर कैसे कैसे अरेंज हुए, ऐसे अरेंज हुए। ठीक, अब देखो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। ये जिस समय में आया ना कि तीन लेयर कैसे कैसे आए, तीन लेयर का अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, अब देखो फिर हम लोग बना रहे हैं एक मिनरल्स, ये हमारा स्पेसिफिक मिनरल है और ये हमारी सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाएंगे, है ना। तो अब देखो मुझे अब बताओ, चलो फटाफट मुझे आंसर दो, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे। प्रीवियस लेक्चर में बताया, सॉरी प्रीवियस स्लाइड में बताया हुआ है, इसको बोलते हैं क्रिस्टल यूनिट। बतलाया था ना कि नहीं बतलाया था, इसको क्या बोलेंगे, लेयर बोलेंगे। ठीक, अब देखो 2:1 में कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ पे क्या ट्विस्ट है भाई, देखो 2:1 में क्रिस्टल यूनिट के बीच में ऑक्सीजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जबकि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट था क्रिस्टल यूनिट के बीच में। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और लेयर के बीच में भी ऑक्सीजन बॉन्ड, यहाँ भी ऑक्सीजन बॉन्ड देखने को मिलेगा आपको, यहाँ भी ऑक्सीजन बॉन्ड मिलेगा, यहाँ भी आपको ऑक्सीजन बॉन्ड मिलेगा, यहाँ भी ऑक्सीजन बॉन्ड मिलेगा। दैट मीन्स इसमें एक बात तो क्लियर है कि क्रिस्टल यूनिट के बीच में भी ऑक्सीजन बॉन्ड पाया जाता है, जबकि जो आपके लेयर्स हैं उसके बीच में भी ऑक्सीजन बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की यहाँ पे बात ही नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो अब मुझे बताओ, ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ पे पाया जा रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड तो है नहीं, तो यहाँ पे वाटर इंटर करेगा या नहीं करेगा, सोच के बता ना, यहाँ पे क्या वाटर इंटर करेगा क्रिस्टल यूनिट के बीच में। बिल्कुल यहाँ पे इंटर करेगा भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड तो है ही नहीं, तो यहाँ पे वाटर इंटर करता है, यहाँ पे वाटर इंटर कर जाएगा। वाटर के अलावा यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स जैसे कि आपका कैल्शियम मैग्नीशियम पोटासियम भी इंटर कर जाते हैं वाटर के साथ साथ। तो अब ये मिनरल्स क्या होगा, इस मिनरल्स में आपको स्वेलिंग की प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर वाटर इंटर कर चुका है तो ये स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा ना। आया समझ में क्यों यहाँ पे वाटर इंटर करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ अब्सेंट हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्ड के कारण ये वाटर यहाँ पे इंटर कर जाता है और ये स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। तो ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 2:1:1 वाले के ऊपर, 2:1:1 या इसको हम लोग क्या बोल रहे थे 2:2, इस पर बात करते हैं। इसमें टोटल कितना लेयर है भाई, 4 लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, देखो इसको कैसे अरेंज किया जाता है, पहले अरेंजमेंट समझो। ये एक लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर हो गया, ये तीसरा लेयर हो गया, ये आपका चौथा लेयर हो गया। ठीक ठीक, अब देखो सबसे ऊपर क्या होगा, सिलिका होगा, फिर क्या होगा आपका एल्यूमिनियम होगा, फिर क्या होगा सिलिका होगा, फिर क्या होगा एल्यूमिनियम होगा। अब आप बोलो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ क्या, नहीं हुआ, 2:2 आ रहा है भाई, तो एक तो आपका बच जा रहा है, तो इसमें साथ में क्या जुड़ जाता है, मैग्नीशियम। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसलिए यहाँ पे मैग्नीशियम जुड़ गया, और मैग्नीशियम जुड़ गया तो आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, और जब मैग्नीशियम जुड़ जाता है तो इस लेयर को हम लोग बोलते हैं ब्रूसाइट लेयर। क्या बोलते हैं भाई, ब्रूसाइट लेयर।
तो कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि जो आपका ब्रूसाइट लेयर होता है मिनरल्स का, वो किसका किसका कंपोजिशन होता है? एलुमिनियम एंड मैग्नीशियम। बच्चे क्या गलती करते हैं, वो उनको पता होता है सिलिका एलुमिनियम सिलिका एलुमिनियम, तो वो एलुमिनियम मान के आ जाएंगे, बट गलत है। ब्रूसाइट लेयर ऐसे लेयर को बोलते हैं जिसमें एलुमिनियम के अलावे मैग्नीशियम भी पाए जाए। ठीक, क्लियर हुआ। और अब बात हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एक बात तो आप याद रखना, जो आपका 2:2 होता है ना, ये इंटरमीडिएट होता है। ये 1:1 का और 2:1 का क्या होता है? इंटरमीडिएट होता है। तो यहाँ भी आपका ऑक्सीजन पाया जाएगा, यहाँ भी ऑक्सीजन लेयर होगा, यहाँ का भी ऑक्सीजन का लेयर प्रेजेंट होगा। और याद रखना ये इंटरमीडिएट होता है, ठीक है? ये 1:1 का और 2:1 का इंटरमीडिएट होता है। बस आपको इसके बारे में इतना याद रखना है, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। इस पर बस एक क्वेश्चन पूछा गया है कि चार लेयर जो है वो अरे कैसे होते हैं, तो ये और ये ब्रूसाइट लेयर क्या होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। 1:1 का जो एग्जाम्पल है और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो क्या है? केओलाइनाइट और हेलोसाइट, ये दो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हैं 1:1 टाइप के मिनरल्स का, केओलाइनाइट एंड हेलोसाइट। नेक्स्ट देखते हैं 2:1 का क्या एग्जाम्पल है। अभी 2:1 का जो एग्जाम्पल है वो है मोंट मो रायलोनाइट, मोंटमो रायलोनाइट, और दूसरा हो गया इसका एग्जाम्पल वर्मी कुलाइट। एक और यहाँ पर अब याद रखना आइलाइट। ये तीन इसके मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हैं, ठीक है? और ये 2:1 का एग्जाम्पल है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? देखो, ये तीन आपको जो एग्जाम्पल बताया गया मोंटो मोरोलाइन आइट और फर्मिकुलाइट आइलाइट, तो इसमें सबसे ज़्यादा श्रिंक की प्रॉपर्टी किसकी होती है, या स्वेलिंग की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाएगा? इसमें मोंटमो रायलोनाइट में सबसे ज़्यादा स्वेलिंग की प्रॉपर्टी होती है एज कंपेयर टू वर्मिकुलाइट एंड आइलाइट। ठीक, आया समझ में? और सबसे कम किसका होता है? आइलाइट का। आइलाइट उतना ज़्यादा स्वेलिंग नहीं करता है जितना ज़्यादा मोंटो मोरिलोनाइट कर पाता है। ये आपका इंटरमीडिएट है, इस करेगा बट आपका इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी को शो करता है, आइलाइट से ज़्यादा करेगा और मोंटो मोरमोलाइट से कम करेगा। ठीक है, आया समझ में? तो और एक चीज़ और, मैंने पहला क्या बताया मैंने आपको कि जो आपका मोंटो मोरिलोनाइट है, नाम थोड़ा सा पेचीदा है इसलिए अच्छा से पढ़ लो, मोंटो मोंट मोरिलोनाइट क्या होता है? मोंट मोरिलो नाइट, बहुत खतरनाक नाम है ना। चलो, दूसरा वर्मिकुलाइट एंड आइलाइट, मैंने वो क्या बताया कि मोंट मोरिलोनाइट जो है ये सबसे ज़्यादा स्वेल कर सकता है, वर्मिकुलाइट जो है वो थोड़ा कम, आइलाइट बहुत कम। क्लियर हुआ? तो सबसे ज़्यादा श्रिंक जो स्वेलिंग प्रॉपर्टी है वो किसके पास है? इसके पास है। दूसरी बात, अगर हम बेसल स्पेस की बात करें तो बेसल स्पेस इसका जो होता है वो 9.6 एंगस्ट्रन से 18 एंगस्ट्रन होता है, ऑन एन एवरेज बात करें तो 14 एंगस्ट्रन होता है। ठीक है, तो आप पूछा जाता है कि मोंट मोरिनो नाइट का जो बेसल स्पेस होता है वो कितना होता है? 9.6 एंगस्ट्रन टू 18 एंगस्ट्रन, और ऑन एन एवरेज बात करें तो 14 एंगस्ट्रन के होता है। नेक्स्ट वर्मिन कुलाइट की बात करें तो ये होता है आपका 10 टू 15 एंगस्ट्रन। ठीक, आइलाट होता है आपका 10 एंगस्ट्रन। तो बेसल स्पेस ना पूछा जाता है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो बच गया 2:1:1 या 2:2, इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो है क्लोराइट। क्लोराइट, और इसका जो बेसल स्पेस होता है वो
14 एंगस्ट्रम होता है। और एक चीज़ और यहाँ पे इसमें नहीं बताया ना, देखो केओलाइनाइट का जो बेसल स्पेस होता है वो 7.4 एंगस्ट्रम होता है और हेलोसाइट का 10.4 एंगस्ट्रम होता है। तो ये बेसल स्पेस कहीं लिख लेना और उसको याद कर लेना, पूछा जाता है। ठीक, क्लियर हुआ? तो चलो फिर हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं इंड, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और क्लासिफिकेशन को देखेंगे, है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।